अब हम आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं समतल। समतल में टू डी, टू डी में हम जाने समतल। समतल में बनने वाला कृति कैसा होती है? टू डी होती है, यानी टू डी कहने का मतलब जिसका केवल लंबाई और चौड़ाई हो, टू डी आकृतियाँ। टू डी आकृतियाँ तो पहला क्या था? त्रिभुज। त्रिभुज को कहा गया कि तीन रेखाखंडों से घिरी हुई, कैसा हो? घिरा हुआ समतलीय आकृति, मतलब कि प्लेन में बनाया हो। समतलीय मतलब प्लेन में। और ये तीन रेखाखंड, रेखाखंड कौन कौन हुआ? ए बी सी में ए बी रेखाखंड, बी सी रेखाखंड और ए सी रेखाखंड। ये तीनों से घिरा हुआ बंद आकृति समतुल्य आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब इस त्रिभुज का तीन भुजा हुआ, तीन भुजा कौन कौन हुआ? ए बी हुआ, बी सी हुआ, ए सी हुआ। और तीन कौन हुआ? कौन 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 हुआ? एक कौन ये, दूसरा कौन ये, तीसरा कौन ये। त्रिभुज के यानी त्रिभुज के तीन भुजा, त्रिभुज के कितना भुजा? तीन भुजा। कौन कौन भुजा हुआ? ए बी, बी सी और ए सी। तीन कोण कौन कौन हुआ? एंगल ए बी और एंगल सी। इस तरह त्रिभुज पढ़ लें। आप चतुर्भुज में चलते हैं। चतुर्भुज को क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटर कहते हैं। चतुर्भुज क्वाड्रिलेटर की डी आर आई एल ए टी आर क्वाड्रिलेटर। तो इसके बारे में बताया गया है किसी समतल पर ऐसा होगा, प्लेन पर, प्लेन होगा ये, चार रेखाखंड से बनी। चतुर्भुज के बारे में बताया गया है कि समतल पर चार रेखाखंड से निर्मित बंद आकृति को ही चतुर्भुज कहते हैं। तो चार रेखाखंड हम फिगर बनाते हैं, आकृति बनाते हैं। रेखाखंड कितना होना चाहिए? चार। तो चार रेखाखंड है, कैसा बंद यह आकृति कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए। तो उसको क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं, यानी क्वाड्रिलेटर कहते हैं। तो चार रेखाखंड, ए बी रेखाखंड, बी सी रेखाखंड, सी डी रेखाखंड और डी ए रेखाखंड, चार रेखाखंड से बना बंद आकृति, ये बंद आकृति है, इसको क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। अब चतुर्भुज में हम विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे चतुर्भुज के प्रकार में हम समलंब चतुर्भुज पढ़ेंगे, समलंब चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज, आयत और वर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। तो चतुर्भुज के बारे में समझ बन गया होगा कि चार रेखाखंड, रेखाखंड ए बी हुआ, बी सी हुआ, सी डी हुआ और डी ए हुआ। चार रेखाखंड से बंद आकृति कैसा करती होना चाहिए? बंद आकृति, उसको क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। अब हम चतुर्भुज में के बारे में और कुछ भी जानेंगे। जैसे मैं इस चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं? चार कोण होते हैं।
और वही त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तीन कोण होते हैं। तो चतुर्भुज में, तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, पर चतुर्भुज में तीनों कोणों का योग, तीन कोण नहीं बल्कि चार कोण का योग 360 डिग्री होता है। और चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है, चार भुजाएं होती है, और त्रिभुज में केवल तीन ही भुजाएं होती है, और चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। तो इस तरह हम चतुर्भुज के बारे में और भी लिख सकते हैं, जैसे चतुर्भुज के, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, योग 360 डिग्री होता है। और दूसरा है कि चतुर्भुज में कितने भुजा होती है, तो चतुर्भुज में चार भुजाएं और चार क्या होती है, अंत कोण होती है, मतलब इंटीरियर वाला, चार अंत कोण होते हैं। तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तीन ही कोण होते हैं, और भुजा कितनी होती है, तीन ही होती है, पर चतुर्भुज में क्या होता है, चार होता है। और चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं। तो इस तरह हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ लिए। अब हम दोनों को तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। त्रिभुज में क्या होता है, तीन रेखाखंड से घिरा हुआ बंदाकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का निर्माण कहाँ होता है, समतल में, यानी प्लेन में। त्रिभुज में क्या होती है, तीन भुजा होती है। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। पर चतुर्भुज में क्या, चतुर्भुज में चार भुजा से घिरे हुए बंदाकृति को हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और चतुर्भुज में कितने होते हैं, चार भुजाएं होती है। तो इस तरह त्रिभुज और चतुर्भुज के, और चतुर्भुज और त्रिभुज दोनों क्या होता है, 2D होता है। 2D करने का मतलब कि ये प्लेन में, यानी समतल में, समतल यानी फ्लैट, जहाँ सरफेस हम लोग रहते हैं उसमें आसानी से बना सकते हैं इसका। और दूसरा अंतर है, प्लेन करने का अर्थ, 2D करने का अर्थ है कि इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, पर ऊंचाई या गहराई नहीं होती है। तो इस तरह हम त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में अध्ययन कर लिए। अब हम आगे पढ़ेंगे।